now you have announced 4 films and you are writing, directing and producing. And the first one you are making on the very renowned journalist J-Day's murder story. So, and many films are also being made. So they are showing J-Day for 10 minutes or 5 minutes. How different is your film, which is you're going to you're directing and you already shot in Delhi? My movie, your question is the answer for my movie. सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि सोच J-Day को अगर हम सोचे तो वो एक सोच है. J-Day कभी मर्डर हुआ ही नहीं. J-Day जिंदा है अभी तक. हम उसको मार रहे हैं बार बार नई नई मूवी बना कर डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दिखाकर हम J-Day को बार बार मार रहे हैं. J-Day कभी मरा ही नहीं था क्योंकि उसकी एक सोच थी. आप देखिए क्राइम जर्नलिज्म के बारे में किसी को इंडिया में नहीं पता था. इट वॉज ओनली 8% इन 2011 एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज नाउ इट इज 18% क्राइम जर्नलिज्म. तो क्या हो गया कि एक जागृता जागी जर्नलिज्म में भी और लोगों में भी कि भाई क्राइम जर्नलिज्म क्या होता है. क्राइम जैसे उन्होंने जीरो डायल लिखा और काफ़ी सारे बुक्स लिखे उन्होंने और जो लास्ट बुक लिख रहे थे द लास्ट 5 गैंगस्टर जो इनकम्प्लीट है. तो मैं अपने मूवी के थ्रू वो इनकम्प्लीट मूवी को मैं कंप्लीट करना चाहूँगी. और मेरे हिसाब से J-Day जिंदा है. हर एक हमारी एक J-Day नहीं है. J-Day एक सोच है. काफ़ी लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन से दिखाना चाहेंगे अब जो जिस तरीके से अपने मूवी के ऊपर उनके फोकस है. बट मेरी जो मूवी है इसमें एक नयापन है, एक यूथ है, एक हर एक चीज़ से रिलेटेड है जो हम लोग डे टू डे फेस करते हैं. पर सबसे बड़ी बात है ये जो है एक सोच है और ये सोच लेके हमें काफ़ी सारी चीज़ें आगे साथ में बढ़ना है. इस सोच में हमें ये करना है कि जो भी आज जैसे आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट्स ने टेक ओवर किया है काफ़ी न्यूज़पेपर पे और चार्ल्स के ऊपर टेक ओवर किया है. तो सबसे बड़ी बात है कि इज देयर अ लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट. इज देयर अ पेंशन स्कीम आफ्टर रिटायरमेंट. ओके हम लोग एक J-Day की बात करें, हम एक जर्नलिज्म की बात करें या एक जर्नलिस्ट की बात करें, उसकी लाइफ कितनी सिक्योर है आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स. क्या लाइफ सिक्योर है. तो मैं इस मूवी मैं इस मूवी के थ्रू ये दर्शना दिखाना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें इंटरनली फाइट करना पड़ेगा अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपनी जर्नलिज्म टीम के लिए कि हमें वो चीज़ सुविधा दी जाए जो एक जहाँ एक जैसे अमर जवान जब ज्योति जड़ती है राजपथ पे तो वैसे ही कहीं ना कहीं हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और एक अपने जो लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा बट इकट्ठे करना पड़ेगा. अलग अलग दिखा रहे हैं हम लोग किसी इंसान का स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई कुछ हुआ उसके साथ कलीग्स ने ऐसे किया किसी ने. मेरे मूवी में ये चीज़ नहीं है. मेरे मूवी में एक सोच है और वो सोच है जो J-Day बिलीव करता था. तो यही डिफ्रेंसिएशन आ जाती है मेरे मूवी में और बाकी मूवी में कि एक सोच को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए जिससे सबको फायदा हो और सब इकट्ठे आए और देखें कि हाँ इंडिया में क्राइम जर्नलिज्म कैसी होती है. दूसरी चीज़ है कि मेरी जो मूवी है ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए है. इट विल बी अ बायलिंगुअल. तो उसमें क्या है कि वी आर ट्राइंग टू शो इंडियन जर्नलिज्म ऑल्सो. काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इंडियन जर्नलिज्म क्या होती है. तो इससे ये भी होता है कि हम इस मूवी के थ्रू अपने जो इंडियन जर्नलिज्म है किस तरीके से हम काम करते हैं और आगे क्या बढ़ना चाहते हैं उस विजन को भी दिखाना चाहिए. अभी मैं बाद मेरे बहुत सारे सीनियर कलीग्स हैं मेरे जो इस फील्ड में हैं उनको बहुत कुछ पता है. बट एक टाइम के बाद क्या होगा. अगर आप 60 इयर्स के हो गए उसके बाद क्या लाइफ है आपकी. आप 58 के इयर्स के हैं उसके बाद क्या लाइफ है. क्या आपके लिए क्या किया जा रहा है. आप क्या करना चाहते हो. कल की डेट में आप अपने बच्चों को ये नहीं बोलो कि आप मास कम्युनिकेशन कोर्स नहीं करना, जर्नलिज्म कोर्स नहीं करना.